और आज जिस महापुरुष क्रांतिकारी महाबलिदानी महापुरुष जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने वाले जिनका कि आज आप हम सब जन्मतिथि मना रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं, ऐसे क्रांतिशूर बिरसा मुंडा जी भगवान आबा बिरसा मुंडा जी के चरणों को सहृदय सेवा जोहार। साथ ही हमारे महापुरुष जिससे देश के अंदर में क्रांति आई, ऐसे भी हमारे पैनवासी हो चुके दादा हीरा सिंह जी मरकाम, पैनवासी आचार्य मोती रावण कंगाली, पैनवासी सुनहर सिंह जी ताराम और गोंडवान आंदोलन के लिए काम किए हमारे अमरपुर क्षेत्र से ही दादा धोकल सिंह जय सांध्या, आप सभी को सहृदय में सेवा जोहार करता हूं। कहीं ना कहीं समाज को जगाने में जिन भी महापुरुषों का हाथ है उन सभी को मैं सहृदय सहृदय सेवा जोहार करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष महोदय सम्मानीय दादा मरावी जी मुख्य अतिथि, सम्मानीय त्रिमाल अमान सिंह जी पोरते प्रदेश अध्यक्ष मंच पर विराजमान है, सम्मानीय संगठन महामंत्री त्रिमाल हरेन सिंह जी मार्को और हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण जो मंचासीन हुए हैं, आप सभी को सहृदय सहृदय मैं सेवा जोहार करता हूं। और साथ ही आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त मातृ शक्ति पितृ शक्ति नन्हे मुन्ने बच्चों नौजवान युवा साथी पंचगण सरपंचगण उप सरपंच जनपद सदस्य जिला सदस्य व अलग अलग संगठनों से अलग अलग राजनीतिक संगठनों से यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, आप सभी को सहर्द सेवा जोहार। आज हमारे महापुरुष बिरसा मुंडा जो कम उम्र में जल जंगल जमीन के लिए आप हम सबके रक्षा सुरक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, अपने प्राण की आहुति दे दे, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जिनका कि आज जन्म जयंती दिवस मनाया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं से पीली क्रांति समग्र गोंडवाना विकास क्रांति आंदोलन का कहीं ना कहीं हाथ है, कहीं ना कहीं हाथ है। आज से ठीक 40 साल पहले सभी हमारे जो महापुरुष थे उनके बारे में इतना कोई जानता नहीं था, उतना कोई जानता नहीं था, कोई पुस्तकों में छापा भी नहीं जानता जाया जाता था, न कहीं उनके बारे में कहीं कोई इतिहास में मिलता भी नहीं था। उस समय आज से 40 साल पहले सभी महापुरुषों का हमने लोगों के बीच में प्रयास किया उनको लाने का कि हमारे महापुरुषों की ऐसी वीरताएं हैं, ऐसी वीरांगनाएं हैं, वो सामने आए, उनके लिए हमने प्रयास किया और धरती आबा बिरसा मुंडा कोया वंशी तुला पुकार है धरती आवारे। हम कब गाते थे? आज से 40 साल पहले से। कमलावती जिनका की पिछले साल कमलावती का प्रतिमा स्थापित किया गया है भोपाल में, मैं जब गाया करता था 40-45 साल पहले, कमलावती रानी कर गए कुर्बानी भोपाल ताल मोर, लहर लहर लहरावै यो तोरे गुण गावै भोपाल ताल मोर, तोरे रूपन के किस्सा कहाँ सुनैया नैया। उस समय कोई कमलावती को नहीं जानता था। आज से 45-40 साल पहले मैं गाता था दुर्गावती हाय मंडल की रानी दुर्गावती, दुर्गावती रानी आवा बावनगढ़ में राज चलावा, तोरे बिने राज करैया कोई नहीं हो। उस समय जब मैं गाता था जब कैसीड निकलती थी तो लोग सुनते थे, इसलिए सुनते थे कि प्रेम से मराबी का बढ़िया गाथे ओखर गाना अच्छा लगते तो सुनते थे, लेकिन ये नहीं जानते कि दुर्गावती कौन है, बिरसा मुंडा कौन है, कमलावती कौन है,
ये जानते थे कि दुर्गावती के बारे में ये गा रहा है, तो जो दशहरा के समय में दुर्गा रख देते हैं आठ हाथ वाले, उसी के बारे में गा रहे हैं। इतना भर जान करके अच्छा लगता है इसलिए सुनते थे, लेकिन उसके बारे में नहीं जानते थे। लेकिन धीरे 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 करके वीरनारायण सोना खान कहाँ निकल गए रे, छत्तीसगढ़ के सूर समान कहाँ निकल गए, गोंडवाना के वीर महान कहाँ निकल गए। हम कब गाते थे, आज से 40 साल पहले, तब कोई नहीं जानता था। बहुत से लोग कह देते हैं कि गोंडवाना आंदोलन ने क्या दिया, अरे गोंडवाना आंदोलन ने वो दिया कि कोई शंकर साहे रघुनाथ साहे, आज से 40 साल पहले मैं गाता था, शंकर राजा शंकर साहे रे फांसी में चढ़ गए, रघुनाथ साहे रे फांसी में चढ़ गए, गोंडवाना सरदार रे तोपों में उड़ गए। कब गाता था, 40 साल पहले। तो यहां बैठे होंगे कई, क्योंकि 40 साल उम्र भी ना होगी ऐसी युवाओं की। उस समय हम गाया करते थे, तब कोई रता पता नहीं था, हमारे महापुरुषों के बारे में कोई जानता नहीं था। लेकिन ये दादा हीरा सिंह, मरकाम आचार्य, मोतीराम कंगाली, सुनहर सिंह, ताराम शीतल, मरकाम जी लोगों का आंदोलन चला, उसमें हम लोग गीत और गाना के माध्यम से खोज कर कर लाने का प्रयास किया हमारे महापुरुषों के वीरताओं को। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जबलपुर में और नामनगर चौगान में आकर के और वहां पर सेवा जोहार कहना पड़ रहा है। किसकी देन है, ये गोंडवाना आंदोलन की देन है। पिछले साल 18 सितंबर को हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह आते हैं जबलपुर में शंकर साहे रघुनाथ साहे के बलिदान दिवस पर, तब उनको भी कहना पड़ रहा है जय सेवा जय बड़ा देव। वेंकैया नायडू आते हैं नामनगर चौगान में, उनको भी कहना पड़ता है कि जय सेवा जय बड़ा देव। और आज हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी शहडोल आती हैं और वहां भी वो जय सेवा जय बड़ा देव कहना पड़ेगा। किसकी देन है, ये आप लोगों की जागृति का देन है, गोंडवाना आंदोलन का देन है कि हमारे जो महापुरुष थे, बिरसा मुंडा का जन्म तिथि या जन्म जयंती मना लेने से कुछ होने वाला नहीं है। आपकी सरकार है, आपके राष्ट्रपति जी हैं, जो हमारे आदिवासियों के संरक्षक होते हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति, उनका जो विचारधारा है, उनका जो सोच थी जल और जंगल के लिए कि हमावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज, हमारी धरती जहाँ पर हमारे लोग अपने हिसाब से जीते खाते हैं, वो अधिकार देने का काम करें। जयंती जन्म जयंती मनाने का मतलब तब सार्थक होगा। मेरा निवेदन है कि जो बिरसा मुंडा जी का आंदोलन था जल जंगल जमीन का, वो जल जंगल जमीन हमारे दें। लेकिन होता ऐसा नहीं है कि आप जल जन्म जयंती मना लेने से उनका काम पूरा हो गया, बिरसा मुंडा जी के जयंती मना लिए काम फुर्सत, इतना नहीं है। जन्म जयंती मनाएंगे लेकिन हमारे लोगों को जल और जंगल से विस्थापित करेंगे, कहीं डैम बना करके हमारे लोगों को भगाएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना करके भगाएंगे, अभ्यारण्य बना करके भगाएंगे, बड़े बड़े कुछ ना कुछ बना करके हमारे लोगों को भगाने का प्रक्रिया चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। बिरसा मुंडा जी का जो जल जंगल जमीन की लड़ाई थी और उनको भगवान क्यों मानते थे, हमारे बिरसा मुंडा जी इसलिए उनको भगवान मानते थे, हमारे लोगों के लिए उन्होंने काम किया, जन जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी और 25 साल के उम्र में उन्होंने अपने शरीर को अंग्रेजों ने उन्हें बिना खाना बिना पानी के जेल के अंदर डाल दिया गया और उन्हें खाना और पानी नहीं दिया गया। दिनों दिन बिरसा मुंडा जी के शरीर सूखते सूखते और उनके कैसे प्राण निकले होंगे आप हम सब अंदाजा लगा सकते हैं, कितनी तकलीफ हुई होगी आप हमारे सबके लिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, गोंडवाना आंदोलन से सीख करके दो चार बार हमारे लोग भाषण दे जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं बहुत होशियार हो गया, अलग संगठन बना करके और गोंडवाना आंदोलन को तोड़ने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चलना है, उसको भी आप सभी को समझना होगा, उसको समझना होगा। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, हम जब बात करते हैं गोंडवाना आंदोलन के तो गोंडवाना साम्राज्य की बात आती है, और जब गोंडवाना साम्राज्य की बात आती है तब हमारे गढ़ और किले, हमारे धन और धरती सब कुछ दिखाई देते हैं। चाहे हमारे नामनगर के किले महल हों, मंडला के किले महल हों, प्लांजीगढ़ के किले महल हों, धमदागढ़ के किले महल हों, रायसेन रैया सिंघोला के किले महल हों, भोपाल के सतखंडा महल हों, या हमारे चौरागढ़ के किले महल हों, सब जगह हमारा किले और महल हमें नजर आते
करते हैं, और जहां पर कोई भेदभाव नहीं होता था, कोई छोटा बड़ा नहीं होता था, कोई यहां पर किसी के साथ में गलत नहीं होता था, सब अच्छा से जीते और खाते थे, जिसको जिस हिसाब से जरूरत होती थी उस हिसाब से उनको सहयोग दिया जाता था, वह साम्राज्य। और उस साम्राज्य की बात आप हम सब लोग, हमारे जो बिरसा मुंडा जी ने अपने उलगुलान जारी किया था, उन्होंने ऐसा सपना देखा था, वो सपना को पूरा करने के लिए आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जल जंगल जमीन हमें पुनः वापस मिले, और अपने हक और अधिकार के प्रति हम जागरूक हों। पढ़ लिख लेने से ये मतलब नहीं कि हम लोग पढ़ लिख लिए और होशियार हो गए, इसका मतलब हम कतई नहीं है कि हम होशियार हो गए, क्योंकि हमारे बिरसा मुंडा जी कितने पढ़े लिखे थे, हमारे बिरसा मुंडा जी पढ़े लिखे नहीं थे, दो चार क्लास मुश्किल से पढ़े लिखे रहे होंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़े थे। उन्होंने उनमें एक समर्पण की भावना थी जल जंगल जमीन धरती के लिए, देश के लिए, और उनमें एक जज्बा थी कि हम देश को बचाना है, हमारे जल जंगल जमीन को बचाना है, और उन्होंने जो कर गए आज आप हम सब उनको याद कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा यहाँ पर समस्त मातृ शक्ति पितृ शक्ति आप सभी उपस्थित हैं, आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा, नौजवान युवा साथियों से, नन्हे मुन्ने बच्चों से, आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे बिरसा मुंडा जी के जो लड़ाई है जो बाकी रह गया है, और आप सबको मालूम है कि हम किससे लड़ रहे हैं, नहीं लड़ना नहीं चाहिए, अभी जब इन हमारे सरकारी स्तर से भी मनाया जा रहा है इनके जो जन्म जयंती को, तो उनके जो विचारधारा थी वो हमारे आदिवासी लोगों को, हमारे यहाँ के जो उनका सपना था कि जल जंगल जमीन के अधिकार हमको पूरा मिले, वो अधिकार उनको देने का काम करना चाहिए, ये मेरा सोच है। अतः आप सभी से आग्रह है कि आने वाले समय और भी बहुत खतरनाक समय आने वाला है, आप हम यदि मौका रहते हुए समय रहते हुए नहीं जागे तो आने वाला समय भयंकर होगा, हमारे जो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बहुत भयंकर समय आने वाला है। अतः आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समय रहते हुए आप हम सबको जाग जाना चाहिए, और एक यहाँ पर सुदृढ़ सुव्यवस्थित और स्वच्छ राजनीति की यहाँ पर हम बिरसा मुंडा की जन्म जयंती समय पर, और एक लक्ष्य लेकर के, एक संकल्प लेकर के जाएं कि अपने क्षेत्र में या अपने देश में एक स्वच्छ एवं अच्छा सुदृढ़ व्यवस्थित हमारे राजनीति यहाँ पर स्थापित हो, ऐसा आप सभी से संकल्प लेकर के जाएं, ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करते हुए कार्यक्रम के बेला को आगे न ले जाते हुए, हमारे बीच में और भी हमारे वक्तागण हैं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमारे सांस्कृतिक मंडलियां हैं, वो आपको हमारे बिरसा मुंडा जी से संबंधित और हमारे वीर और वीरांगनाओं से संबंधित अपने गीत गाना के माध्यम से आप सभी को और प्रस्तुति के माध्यम से अवगत कराएंगे। अतः अपनी वाणी को आगे न बढ़ाते हुए यहीं पर मैं विराम देना चाहूंगा, आप सभी के चरणों को सेवा जोहार।